हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर विद लव। आज मैं वेज कोरमा बनाने जा रही हूँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एक कप हरी मटर ले लिया है, एक कप बीन्स काट लिया है, एक कप गाजर काट लिया है, एक कप आलू काटा है। एक गिलास पानी डाल के मैं अपना ये मटर डाल देती हूँ और बाकी की सब्जियां जो काट लिया है ये सब इसी में डाल देती हूँ और इससे ऐसे कवर कर देती हूँ। ये सब्जियों को मैं अपने 90% पका लूँगी। अब मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। ये 5 मैंने काजू ले लिया है, 1 टीस्पून वाइट वाला तिल लिया है, 2 टेबल स्पून नारियल का जो पाउडर आता है डेजिकेटेड नारियल 2 टेबल स्पून ले लिया है, 1 मैंने तेज पत्ता लिया है, 1 ही अनार चक्र है, 1/2 टीस्पून जीरा ले लिया है, 2 छोटी छोटी ये दालचीनी का स्टिक्स लिया है, 1/2 जावित्री लिया है, 1 लौंग लिया है और 1 ग्रीन वाली इलायची लिया है। तो ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये मैंने 3 हरी मिर्च ले लिया है, साथ में डाल दूँगी। और ये थोड़ा सा धनिया पत्ती है तो इसको भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। ये सूखा ही ग्राइंड कर लेती हूँ पहले। तो ये देखिए, इसको मैंने सूखा ग्राइंड कर लिया है, अभी इसका पाउडर नहीं बना है। 2 टेबल स्पून दूध डाल दूंगी, इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने पेस्ट इसका बना लिया है। तो ये मसाला मेरा तैयार हो गया है। इसमें 1 टेबल स्पून मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून इसमें मैं बटर डालूंगी। ये तेल बटर हमारा गर्म हो गया है, इसी में 1/2 टी स्पून में जीरा डाल देती हूँ। 1 मैंने प्याज काट लिया है, उसको डाल देती हूँ। तो प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसी मैंने 1 टमाटर काट लिया है, उसको भी डाल देती हूँ। इसको भी डाल के मिला देती हूँ ऐसे। तो ऐसे कवर कर देती हूँ, 5 मिनट ऐसे स्लो गैस पे पकने देती हूँ। और ये सब्जियाँ हमारी 90% पक गई है। इसे दबा रही हूँ तो बहुत जल्दी से, मतलब नहीं टूट रहा है, तो ये 90% पक गई है। तो इसको मैंने छान लिया है, पानी इसका सारा झड़ गया है। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। अब इसी में हम अपने बाकी के मसाले मिला लेते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, इसको डाल दिया है। मसालों को मिक्स कर लेते हैं। दो मिनट इसको ऐसे पकने देती हूँ, बिल्कुल स्लो गैस पे। 2 मिनट हो गया है, आइए हम चेक कर लेते हैं। इसको एक बार अच्छे तरीके से ऐसे चला लेती हूँ। इसको मैं ऐसे अभी साइड में कर देती हूँ। तो मसाले पीस लिए मिक्सी जार में, इसको डाल देती हूँ। अभी मसाले को इस तरीके से चला के अभी मैं मिक्स कर लेती हूँ। और इन मसालों को भी पकने के लिए इस तरीके से मैं ढक के स्लो गैस पर 5 मिनट इसको पकने देती हूँ। तो 5 मिनट हो गया है, आइए हम चेक कर लेते हैं अपना मसाला। देखिए, मसालों ने साइड साइड से तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब अच्छे तरीके से मसाला हमारा पक गया है। स्लो गैस पे मैंने मसालों को पकाया है, इसलिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जो हमने ये सब्जी 90% बॉईल कर लिया था, इसको इसी में डाल देती हूँ। इसको डाल के ऊपर नीचे मसाले मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। और ये 1/2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी लिया है, ये रब करके इसको इसी में डाल दूंगी और ऊपर नीचे मिला देती हूँ। 1 कप दूध डालूंगी, दूध से ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, खाने में टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको डाल के मैं मिक्स कर लेती हूँ। और 1/2 कप इसी में मैं पानी डाल देती हूँ और इसको नीचे ऊपर करके मिक्स कर लूँगी और इसको ऐसे ढक देती हूँ। मीडियम टू स्लो गैस रखूंगी और इसमें मैं उबाल आने देती हूँ। तो देखिए, हमारे सब्जी में उबाल आ गया, हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, इसका तेल चारों तरफ अलग अलग हो गया है, इसका मतलब हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। तो देखिए, और ग्रेवी भी परफेक्ट है, जैसा हमें चाहिए था ग्रेवी भी बिल्कुल उतना है। तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ, धनिया पत्ती डाल के गार्निश कर देती हूँ। अभी मैं खाने के लिए इसको सर्व कर सकती हूँ। ये हमारा वेज कोरमा बनके तैयार हो गया है। आप लोग भी बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।